ढलता जा रहा कांग्रेस का सूरज। क्या सच में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत? देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत। कांग्रेस कहाँ है? आपको याद हो तो अभी हाल ही में पुणे में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वो दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, पार्टी से निराश होकर नेता पार्टी का साथ ना छोड़े, ऐसी अपील की थी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। क्यों? आखिर क्यों बीजेपी के नेता को कांग्रेस से इस तरह की अपील करनी पड़ी? शायद इसीलिए क्योंकि किसी भी देश के लिए एक मजबूत विपक्ष होना भी उतना ही जरूरी होता है जितना सत्ता पर बैठने वाला। लेकिन लगता है जैसे कांग्रेस की तो विपक्ष बनने की, या फिर यूं कहें कि राजनीति में बने रहने की ही दिलचस्पी खत्म सी हो गई है। कहां कांग्रेस एक समय में बीजेपी को कड़ी टक्कर दिया करती थी, अब तो जहां चुनाव होते हैं वहां पहले कांग्रेस में घमासान होता है, कांग्रेस बिखर जाती है और उसके बाद चुनाव होते हैं और कांग्रेस के हाथ रह जाते हैं खाली। पार्टी का G23 वैसे ही पार्टी के लिए चिंतित नजर आता रहता है और अब तो पार्टी के युवा भी पार्टी से मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जब इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आप पार्टी के खिलाफ हार्दिक पटेल की धमकियां तो सुन ही रहे होंगे। भाई पार्टी के युवा नेता हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी से मोह भंग हो गया है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है। एक के बाद एक हार्दिक पटेल के बयानों और आरोपों से कांग्रेस में अंदरूनी हड़कंप मचा हुआ है। हार्दिक पटेल साफ कह चुके हैं कि प्रदेश नेतृत्व उन्हें परेशान कर रहा है। राज्य में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि हार्दिक पार्टी छोड़ दे। यहां तक कि हार्दिक ने तो राहुल गांधी से भी इसकी शिकायत की, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। यही होता आया है कांग्रेस में कि कांग्रेस में कांग्रेस के नेताओं की ही बात नहीं सुनी जाती। कांग्रेस नेताओं की समस्या का हल निकालने में ही पार्टी नेतृत्व को दिलचस्पी नहीं रहती, तो कहां कांग्रेस देश की समस्याओं का हल निकालने में रुचि ले पाएगी? यही संदेश जनता के बीच जाता जा रहा है और धीरे धीरे कर कांग्रेस से लोग मुंह फेरते जा रहे हैं। 3 साल पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उनके पीछे आंदोलन से भरे जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले कन्हैया कुमार भी आए थे। मेवाणी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आगामी चुनाव में वो पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, प्रत्याशी के तौर पर गुजरात चुनाव में उतर सकते हैं मेवाणी। वहीं सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब इनका क्या रवैया रहता है ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। सवाल ये कि कांग्रेस देश की राजनीति में बनी भी रहना चाहती है और करना भी कुछ नहीं चाहती, लेकिन आज के दौर में बिना युवाओं को साथ लिए बुजुर्गों को नाराज करके कैसे कांग्रेस की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? पिछले कुछ दिनों में जिग्नेश, हार्दिक और कन्हैया जैसे युवा नेता पार्टी से जुड़े तो हैं, लेकिन इनका रवैया देख, साथ ही कांग्रेस नेतृत्व का रवैया देख कहा नहीं जा सकता कि ये कब तक पार्टी के साथ रहने वाले हैं। कांग्रेस के ब्रिगेड में अपने ही कुछ दिग्गज युवा नेता ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले, एक वक्त में राहुल गांधी के सबसे करीबी रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया और कितना अच्छा कर रहे हैं बीजेपी में रहकर। फिर राजस्थान में भी हलचल बहुत ज्यादा है। सचिन पायलट काफी लंबे समय से अशोक गहलोत सरकार से परेशानी का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन मजाल है कि नेतृत्व के कानों पर जू तक रेंग जाए। कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक के बाद एक राज्य से चुनाव हाथ धोती चली जा रही है। अभी हाल ही में पंजाब में क्या क्या हुआ है सबने देखा है। पंजाब में अपनी अच्छी स्थिति को कांग्रेस ने अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया। बिगाड़ा क्या, अब तो पंजाब ही हाथ से चला गया। अब कांग्रेस की पंजाब में कभी वापसी हो भी पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जब बीजेपी का विपक्ष ही खत्म हो गया है तो फिर बीजेपी का तो रास्ता साफ ही है। देखिए ना, बिहार, ओडिशा में कांग्रेस इकाई में बदलाव की जरूरत है। झारखंड, जम्मू और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट बार बार आलाकमान से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं। लग रहा है जैसे अंदरूनी कला ही पार्टी को खत्म कर दे रही है। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता साफ है? हालांकि विपक्ष के नाम पर ममता बनर्जी और केजरीवाल अपनी अपनी पार्टी के दम पर तैयार जरूर हो रहे हैं।
केजरीवाल हर जगह जाकर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं और आकर्षित जनता ने देखिए बम्पर सीटों से आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत भी दिलाई है। और फिर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी तो साफ साफ कह चुकी है कि कांग्रेस में दम नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती पेश कर सके। ऐसे में चुनौती देने हर चुनाव में ममता बनर्जी पहुँच जाती है। यूपी के वाराणसी जिले में भी तो अखिलेश का समर्थन करने पहुँची थी, लेकिन ये छिटपुट पार्टियां साथ आकर भी मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को पेश नहीं कर सकती। मतभेद और मनभेद ही इतने हो जाएंगे। हर पार्टी एक अलग मकसद लेकर काम करती है। जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उतनी ज्यादा लड़ाइयां होंगी, तो विपक्ष तो मतलब खत्म ही समझिए। क्योंकि युवाओं के बाद G23 के नेतागढ़ भी तो है ही। कांग्रेस के पुराने दिग्गजों का एक समूह लगातार पार्टी में सुधार की वकालत कर रहा है। कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने पार्टी की कार्यशैली, संस्कृति और हाईकमान को लेकर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। इनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर जैसे नेता शामिल थे। ये सभी नेता पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ और भी कई तरह के परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व को 23 नेताओं के इन समूह को बागी कहना मंजूर है, लेकिन इनकी मांगों पर गौर करने का समय नहीं है। अब जब अपने ही नेताओं के लिए पार्टी आलाकमान के पास वक्त नहीं है, और फिर कांग्रेस को साथ ही साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब हो चुकी है, बस उसे एहसास नहीं हो पा रहा है। वैसे आपका कांग्रेस की हालत को लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।